नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.2 डिफरेंशिएशन अवकलन। तो इसमें जो जो हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो कुछ एक फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास के हम रिकॉल करेंगे, यहाँ पे वही मैंने बता दिए, नोट कर सकते हो आप यहाँ से। तो सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, जो कि हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है हमारी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, हमने सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब का हमें जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप के अंदर लिखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो क्या होगा, 1/√1 − x2, ओके। और जो कोस इनवर्स है वो इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 5/2, ओके। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन जस्ट सिमिलर है, बस साइन का चेंज है। और सिमिलरली टैन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 1/√1 + x2, और कोट में इसका नेगेटिव। एंड sec स्क्वायर में sec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 1/√x, ओके। यहाँ पर क्या है, x हमेशा पॉजिटिव होगा, सो √x√(x2 − 1), और यहाँ पर सिमिलरली जैसा सभी में वैसे इसमें नेगेटिव साइन। और कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज मैंने नोट किए हैं 2θ और 3θ के अंदर, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये सभी फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अभी शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो इसको सारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7.2 का है, 7.2 के फर्स्ट में जो ये हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स, सॉरी 2x √1 − x2, और यहां पर हमें कंस्टेंट दिया है कि −1/2 से 1/√2 के बीच में जो है x की वैल्यू हमारी होगी, ओके। तो अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इसमें 7.2 में हम करेंगे वहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब हमने जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन हमने किया था किसका, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था, 1/√1 − x2, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स के आगे क्या है, एक्स की बजाय 2x और √1 − x2 है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है 7.1 में हमने किए थे चैन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें भी हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, वाई के। और इन सब के अंदर हमें इसको कुछ ना कुछ फॉर्म में बनाना है, साइन 2θ, साइन 3θ, इस टाइप के कुछ फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापन करना है किसका, कुछ कुछ इसमें वैल्यू रखेंगे। तो साइन के अंदर जब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है तो इस एक्स के प्लेस पर हम साइन या कोस कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट कर देता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से जो वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 × x, और एक्स के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, साइन थीटा √1 − x2, और एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा, ओके। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं सभी फॉर्मूलाज नोट कर रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको सिमिलर इसी वे में लिखना है। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 − sin²θ, तो ये साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वेयर थीटा लिखूँ तो ये इक्वल हो जाएगा 1 − sin²θ के, और अगर यहाँ से स्क्वेयर को हटा देते हैं तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 − sin²θ, ठीक है। तो इस कंप्लीट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos थीटा। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 sin θ cos θ। अब ये भी जो बन रही है फॉर्म आपके पास, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने अभी बताया 11th क्लास में आपने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है, साइन 2θ इज इक्वल्स टू 2 sin θ cos θ, ठीक है। तो अब इसके प्लेस पर भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2θ, और यही हम चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो
एकदम इजीएस्ट फॉर्म में बन जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी कुछ मल्टीप्लाई में था और स्क्वायर रूट आ रहा था हमारे पास, तो इसको हम इजी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब ये क्या है साइन इनवर्स और ये क्या है साइन। तो यहाँ पर मोस्टली गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको कैंसिल कर देते हैं जबकि ये कैंसिल नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर इनवर्स है, तो अगर मानिए हमारे पास है एक्स इनवर्स इनटू में, जैसे यहाँ साइन है वैसे ही मान लो एक्स है, तो एक्स इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई एक्स इनटू में एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आ क्या जाता है वन। लेकिन यहाँ पर ये एक टाइप से कैंसिल होंगे, लेकिन इसे हम इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो साइन है, ठीक है, ये साइन अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, साइन क्या के जब हम ये एक्स लगाते हैं या साइन क्या के जब हम ये थीटा लगाते हैं, तब ये कंप्लीट एक फंक्शन बनता है जिसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहीं पर यूं लिख दूं अकेला साइन, तो इस साइन का कोई मतलब मैथ के अंदर नहीं है, ठीक है। ये एक इंग्लिश का वर्ड है, मैंने पहले भी बताया था। तो साइन थीटा जो है ये हमारे पास एक पूरा फंक्शन है, तो इसी टाइप से ये जो साइन है इसका कोई अकेला मतलब नहीं है। हमने साइन का क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, और इस पूरे के आगे हमारे पास एक एंगल है, तो इस साइन इन्वर्स के लिए ये एंगल है और इस साइन के लिए ये जो टू थीटा है ये एंगल है, ठीक है। तो ये साइन इन्वर्स को जब इस साइन पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, सिर्फ टू थीटा। और यही हम करना चाह रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन में जो भी हमको फॉर्म दी होगी उसे हम इस टाइप से थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास थीटा है, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस साइन को जब मैं यहाँ ले आऊंगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, तो हमने यहाँ से पुट क्या किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, और इस साइन को जब हम यहाँ ले आए तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या फिर इसको आप यूं समझ सकते हो कि इस दोनों साइड पर मैंने साइन इनवर्स लगा दिया, तो इस x के आगे जब हमने साइन इनवर्स ऑपरेट किया तो ये हो गया साइन इनवर्स x, और इस साइन थीटा के आगे जब हमने साइन इनवर्स ऑपरेट किया तो ये तो क्या रह गया हमारे पास, ओनली साइन इनवर्स x, और ये साइन और साइन इनवर्स जैसा कि मैंने बताया क्या बच जाएगा, ओनली ये एंगल, तो यहाँ पर क्या आ गया थीटा, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स। इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर एक, अब यहाँ पर लिखते हैं बाय इक्वेशन वन। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो इस थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स की जगह हम साइन थीटा कोस थीटा या टेन थीटा पुट करेंगे, जो भी हमने 10th लैंग्वेज में फॉर्मूलास पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है, तो करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, टू हमारा एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का, और इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये वाई था हमारा, वाई ये था, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है एकदम, रिपीट कर देता हूँ, y is equals to क्या है, sin inverse 2x under root 1 minus x square, x की वैल्यू हमें दिया minus 1 से root 2 के बीच में और plus 1 by root 2। तो इसका देखो किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पर यूज नहीं है, लेकिन इसका हमने यूज किया है, कैसे यूज किया है कि ये जो x है हमारा, ये हमने क्या assume किया है, sin theta, ठीक है, और जो sin theta की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में होती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि sin theta जो है वो minus 1 से 1 के बीच में होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी 1 से ज्यादा या minus 1 से और ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसके बीच में हमारा जो x है sin थीटा है वो लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों तरफ sin ऑपरेट किया, इनवर्स ऑपरेट किया, तो ये हो गया sin इनवर्स x, और ये यहां पर क्या बच गया, थीटा। तो जब इस x के प्लेस पर ये sin थीटा हमने पुट किया, तो इस दोनों के अंदर हमने कुछ कुछ फॉर्मूलाज जो यूज किए वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो ये सारे फॉर्मूला हमने यूज किए इसमें, तो हमारे पास बच क्या गया, y = 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन एक से इसमें रख दी, तो ये नॉर्मल से जो हमने फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखे थे वही हमारे पास फॉर्मूला बन गया, और ये हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट का ही जो बी पार्ट है, तो फर्स्ट का जो बी पार्ट है इसमें हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स के अंदर ये फंक्शन है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस
फोर साइन फोर एक्स क्यूब, और इसमें भी जो x है उसकी वैल्यू माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में है। कभी कभी ये जो हमें यहाँ पर शर्त कह सकते हो, इसे आप ये जो शर्त दी हुई है या जो कंस्ट्रेंट हमें दिया हुआ है इसका काफ़ी यूज़ हो जाता है क्वेश्चन में, तो वो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस टाइप से इसका यूज़ करना है। तो ये भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई के एक बार इसे रखेंगे, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। लेकिन सिमिलरली वही सेम अगेन चीज़ वही कहूँगा मैं कि हमें डिफरेंशिएशन पता है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन साइन इनवर्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्स नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्स है, एक्स की जगह पर ये थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब दिया है, तो इसको भी हमें चेंज करना है छोटी सी फॉर्म के अंदर जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर भी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह पर आप यहाँ पर रख सकते हो साइन थीटा। ओके, हमें ऑलवेज तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक दोनों क्वेश्चन में साइन इनवर्स था तो मैं यहाँ साइन थीटा यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ कोस इनवर्स आएगा वहाँ कोस यूज़ कर लेंगे, जहाँ टेन आएगा वहाँ टेन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा, तो x के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, थ्री एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ओके, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा रख दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें पता है, अभी हमने बताया था कि साइन थ्री थीटा किसके इक्वल होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थ्री थीटा, अगेन सेम चीज़, साइन इनवर्स और साइन क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ थ्री थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, और थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, दोनों साइड साइन इनवर्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स एक्स जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन वन, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, तो जब बाय का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिख सकते हो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। तो वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री है, थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और इसका हमारे पास फॉर्मूला अगेन सेम है, क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इजीएस्ट वे में लिख लिया और उसके बाद डायरेक्ट इसमें हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड में भी दो क्वेश्चन है इसमें, सेकंड का जो फर्स्ट है वो है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ दी है, माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है हमें, सेम वही चीज़ है कि ये y के इक्वल है और हमें फॉर्मूला पता है किसका, cos इनवर्स x का, क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस पूरी वैल्यू को हमें चेंज करना है किसके अंदर, एक सिंपल फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, जो ये माइनस की फॉर्म थी, माइनस की फॉर्म हमने यहाँ किसमें लिखी थी, टेन में, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला था कि टेन टू थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें हम वो यूज़ कर सकते हैं माइनस वाली चीज़, या यहाँ प्लस है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो क्वेश्चन में प्लस है, तो क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस किस फॉर्म में यूज़ किया था हमने, यहाँ पर बताया था किस क्वेश्चन में यूज़ किया था, साइन टू थीटा के अंदर, साइन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका था हमारे पास, साइन टू थीटा का, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ कुछ इस फॉर्म में बन सकता है। तो यहाँ इस एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
टेन थीटा, ठीक है, सेम वही मेथड चलेगा। इसमें भी हमें वही पुट करनी है सेम चीज कि जो x है उसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, tan 2 थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि x की जगह हमने पहले जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा था, sin थीटा, तो यहाँ tan थीटा का यूज क्यों कर रहे हैं? तो ये जो है बेसिक अप्रोच है कि यहाँ पर हमारे पास इस ब्रैकेट में क्या दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ साइन लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन उससे हमारे पास कुछ हेल्प नहीं होगी क्योंकि वो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस एक्स जगह टेन थीटा लिखता हूँ तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक फॉर्मूला दे देती है हमें, जो फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का। और यहाँ से साइन और कोस को मैं रिलेट कर सकता हूँ हमेशा, बहुत से फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसीलिए ये हेल्पफुल है। तो मैंने एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, टेन थीटा, और ये प्रैक्टिस से आपको पता चलने लग जाएगा कि किस में क्या पुट करना है। तो कोस इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, साइन 2 थीटा, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ अगर साइन था तो यहाँ पर भी क्या था, साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ पर कोस इनवर्स है और यहाँ पर क्या है, साइन। तो इस साइन को मुझे चेंज करना है किस में, कोस में, ताकि कोस इनवर्स और कोस को मैं हटा सकूँ। तो यहाँ इस साइन को कोस में कैसे चेंज कर सकते हैं, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके, कोस 90 माइनस थीटा के, होता है ना ये, साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के। और यहाँ हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा, तो इस थीटा की जगह मैं अगर 2 थीटा लिखूँ तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, कोस इनवर्स, और इस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस, यहाँ थीटा होता है जब यहाँ थीटा होता है, यहाँ 2 थीटा का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये कोस इनवर्स और कोस ये कैंसिल हो सकते हैं, आई मीन यहाँ एंगल क्या बच जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब 90 क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री जो है ये तो एक कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और जो थीटा है इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ x के जो इक्वल क्या है, tan थीटा, तो इस tan को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल थीटा, इक्वेशन एक, और यहाँ इस इक्वेशन का हम कर लेंगे यूज, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब जब 90 है, इस 90 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 90 डिग्री क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इस कॉन्स्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर ये माइनस टू इसके मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे हम, इस थीटा का, और ये थीटा है क्या, टेन इनवर्स एक्स। समझ में आया स्टेप, ये हमने यहाँ करा क्या है कि इस वाई को इक्वल लिखा हमने 90 माइनस 2 थीटा के, वाई का जब डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, dy by dx, 90 क्या था, कॉन्स्टेंट, तो इसका जब अवकलन कर दिया तो क्या आ गया, जीरो। माइनस का माइनस, टू का टू, और थीटा क्या था हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स, तो इस टेन इनवर्स का मैंने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये हमें फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ हमें यूज़ किसका करना है, फॉर्मूले का, टेन इनवर्स एक्स का। तो फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, सेकंड का फर्स्ट हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा आई होप। तो सेकंड का जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी जो x है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 1, ठीक है। तो सिमिलर वे में सेम वही प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें सेम चीज़ यूज़ करनी है हमें। तो x की जगह कुछ हमें पुट करना है यहाँ पर भी सेम, तो x की जगह पर मैं क्या पुट करना चाहता हूँ, tan थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीज़न है। तो इसमें भी देखो cos इनवर्स है, तो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर वही फॉर्मूला, tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले का ही यूज़ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और क्योंकि tan थीटा यहाँ हमने माना है, अब tan थीटा यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, cos 2 थीटा का, ठीक है। मैंने बताया था 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने
कि cos 2 थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है। तो यहां पर भी देखो cos है और अंदर ये चीज दे रखी है, तो इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो वैल्यू इसकी रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y cos इनवर्स, ये यूज हो रहा है ना, 1 x स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमने क्या लिखना है tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर 1 plus tan स्क्वायर। कुछ भी नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ जो 10th 11th और 12th में जो नए फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूलों का यूज करना है। तो ये किसके इक्वल हो गया यहां पर, cos 2 थीटा के, सेम cos इनवर्स cos क्या बच जाएगा यहां पर 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा हमें चाहिए तो थीटा क्या होगा, थीटा यहां से निकाल सकते हैं, तो tan यहां पर किस में चला जाएगा, इनवर्स में, तो जो tan इनवर्स x है वो किसके इक्वल हो गया थीटा के, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहां यूज करेंगे इक्वेशन नंबर एक का, तो y इक्वेशन फर्स्ट, y किसके इक्वल हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स x, ठीक है। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, यहां से हमने इसको इस फॉर्म में लिया, एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला यूज हो जाएगा सिंपल सा, तो यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा ये, और tan इनवर्स का जब हम करेंगे तो ये tan इनवर्स x जो है हमें इस फॉर्मूले से दे देगा 1 upon 1 plus x square, तो 2 upon 1 plus x square, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 2 into में ये है फॉर्मूला और इसकी वैल्यू कितनी है 1 upon 1 plus x square, तो ये कितना हो जाएगा 2 upon 1 plus x square, तो ये हमारा क्या है, समझ में आया। तो इजी से क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट में दो किए और सेकंड में दो किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।